मैं शियांग बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट अकॉर्डिंगली बिल्कुल हमारे तरीके से वर्क कर रही है। जो लेवल आप लोगों को मैंने कल सजेस्ट करा था कि यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, एग्जैक्टली उसी लेवल पे शॉर्ट करा हम लोगों ने। और टेलीग्राम पे मैंने बताया था कि उस लेवल से रिवर्सल आ गया है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 150 पॉइंट्स निफ्टी पे डाउनफॉल पे कैप्चर करे हैं एंड बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए कि ये प्रॉफिट अर्न करा एंड डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा तीन स्टॉक्स दिए थे, SCI, मार्केट डेफिनेटली नीचे गई बट हमारे स्टॉक्स नीचे नहीं गए। SCI बहुत अच्छा रिटर्न उसने दिया है, कोरोमंडल यूनिवर्सल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, दोनों के प्रॉफिट्स मेरे पास आए थे। ग्रासिम था, ग्रासिम में मुझे एक दो लोगों ने लॉसेस के स्क्रीनशॉट भेजे बट हमारा ग्रासिम का अभी तक बाय का ट्रिगर नहीं हुआ था, हमारा बाय ट्रिगर नहीं हुआ था उसके अंदर, क्योंकि हमने बताया था ना ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है बट वो ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी गया नहीं एंड ना रुका वहाँ पे, तो हमारे लिए वहाँ पर बाय सिग्नल नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारे सिग्नल्स या हमारी रिकमेंडेशन ठीक काम कर रही है, अभी तक तो सारी ठीक काम कर रही है। बट अब देखिए, मैं जब आज की मार्केट को रिसर्च कर रहा था सुबह से लेकर अभी तक जो भी मैंने रिसर्च करी है, तो मेरे पास स्टॉक्स के कोई भी बेटर स्टॉक्स मुझे लग नहीं रहा हूँ, ना शॉर्ट साइड एज वेल एज, क्योंकि मैं ज़्यादा शॉर्ट करता नहीं हूँ मार्केट को या स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करता, तो मेरे लॉन्ग साइड में मेरे को कोई ज़्यादा बेटर स्टॉक्स नहीं मिले हैं। मैं एक ही आप लोगों को लॉन्ग का स्टॉक आज सजेस्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को एक क्रिप्टो और सजेस्ट करने वाला हूँ जिसका ब्रेकआउट आने वाला है, उसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मार्केट का डाटा लग रहा है, कैसी कल एक्सपायरी रहने वाली है, सारी चीज़ें बात करते हैं इस वीडियो के अंदर और फिर प्लान करते हैं दिसंबर की वीडियो के लिए भी कि क्या मार्केट मंथली एक्सपायरी दिसंबर में किस तरीके से रह सकती है। बाय बाय, मिलते हैं आप लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। तो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल्स। तिरुमलाई केमिकल्स में ब्रेकआउट आया नहीं है बट जनरली मुझे लगता है कि एक अपमूव दे सकता है अगर मार्केट स्टेबल या ज्यादा फॉल नहीं करती है। सो लेट मी शो यू कि हम लोगों ने क्या इसमें डिजाइन करा हुआ है। आप देख सकते हैं एक राइजिंग ट्रेंड लाइन हम लोगों को देखने को मिल रही है, एक सपोर्ट डिमांड जोन हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड एग्जैक्टली इस लेवल से मल्टीपल बार हम लोगों ने एक अपमूव देखी है। एग्जैक्टली अभी दोबारा हम लोगों ने यहाँ पर इस लेवल पर रीटेस्ट होते हुए देखा है स्टॉक, और यहाँ से अपमूव जाना दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो एक पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, 61% गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो से अब ये रिवर्सल ले रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप हुआ है आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव, ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पर इसने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करा है। नाउ दिस पैटर्न इज नॉट वेरी गुड बट यहाँ पर एक अच्छी चीज बहुत है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत जनरली देखने को मिलते हैं। अगर एक कैंडल अगर फॉल्स ब्रेकडाउन देती है ना, अगर अपने सपोर्ट के नीचे कोई कैंडल चली जाती है और उसके बाद अगली वाली कैंडल वो दोबारा रेंज के अंदर आ जाती है, तो जनरली हम लोग देखते हैं वो रिवर्सल बहुत तेजी से जाता है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी। एग्जैक्टली इसने आज अपने ट्रेडिंग लेवल को ब्रेक करा था इसने मंडे के सेशन पे एंड उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेके दोबारा अंदर गया और अपनी सेकेंड कैंडल उस रेंज के अंदर आ गई थी। तो ये जो फॉल्स ब्रेकडाउन था, जनरली फॉल्स ब्रेकडाउन ही था, अब ये अंदर आ चुका तो एक ब्रेकआउट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये अपने सपोर्ट से ऊपर जाके ब्रेकआउट देना, उसकी अगर एक्यूरेसी में 70% मान के चलूँ, तो फॉल्स ब्रेकआउट के बाद जब रेंज के अंदर एंटर करता है तो उसके ब्रेकआउट होने के जो चांसेस होते हैं वो 75-80% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर ट्रेड करना कैसे, करंट प्राइस 238 रुपीज का एंड अगर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो हम लोगों ने एक रेंज की ट्रेंड लाइन बना रखी है, एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बना रखी है। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव, ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है, दोबारा ऊपर जाता है। क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ी अपमूव देने के बाद दोबारा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया एंड दोबारा ऊपर गया। सेम गोज विद देयर, एक बड़ी मूवमेंट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, अब ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। सो करंट प्राइस 238 रुपीज, हमें बाय कहाँ करना है, हमें बाय तभी करना है जब ये 242 रुपीज के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। जैसे ही 242 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 248 रुपीज का, जो शायद मेयरली इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकता है। बट अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट हो जाए तो 265-266 रुपीज के लेवल भी हम लोग इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट याद रखना गाइस, मार्केट वीक है तो ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो ही ट्रेड करना है, लोअर लेवल्स पे हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। सो बात करते हैं अपने अब एक क्रिप्टो के ऊपर जो हमें आपको लगता है कि ब्रेकआउट दे सकता हूँ, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा उसे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्टो की मैं जो बात करने वाला हूँ, उस क्रिप्टो का या कॉइन का नाम है रून USDT।
सो रियूट अगर मैं थेदर्स की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया मोमेंटम मुझे देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। मल्टीपल पैटर्न्स के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, अपने सपोर्ट से भी ऊपर जाने की अब दोबारा कोशिश कर रहा है। सो लेट मी शो यू। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ना एक रेंज बना रखी है, आप ब्लू कलर के जोन से देख सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने फेस करे थे, फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट ये नीचे आया। नीचे आने के बाद इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया एंड एक नया हाई क्रिएट करा। आफ्टर क्रिएटिंग अ नया हाई अब ये दोबारा नीचे आया। आप देख रहे हैं एक रेंज के अंदर, एक सिस्टमैटिक रेंज के अंदर ये नीचे आ रहा है एंड फाइनली इसने आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक ब्रेकआउट दिया है। इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी खासी इंपल्स मूव का एक ब्रेकआउट दिया, तो यानी कि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। दूसरी चीज, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का तो ब्रेकआउट दिया है बट एक दूसरा पैटर्न और है जो इसने क्रिएट करा है। आप देखिएगा ये बॉटम है बिकॉज इस लेवल से एक रिवर्सल आया था और एक इंपल्स मूव स्टार्ट हुई थी। तो इस बॉटम से टॉप तक मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा तो हमें पता चला एक पैटर्न और डेवलप हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश साइफर पैटर्न। ये जो बुलिश साइफर पैटर्न होता है ये एक हार्मोनिक पैटर्न होता है और ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल से देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इसी लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब एक हर्डल कहां पर देखने को मिल रही है, अगर मैं टॉप से बॉटम तक एक बनाता हूं तो यहां पर जो हमें सबसे बड़ी हर्डल देखने को मिल रही है दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, बिकॉज जो पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ब्रेक करा, अब वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ एंड 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ये सारे स्ट्रक्चर को हटा देता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा सी दिस, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है ये लेवल। सो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमें बाय नहीं करना। सो अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका $11.260। जैसे ये इसके ऊपर निकलेगा 11.970 के ऊपर और 15 मिनट की कैंडल भी अगर क्लोज करती है इसके ऊपर तो हमारे लिए एक बाय सेटअप जनरेट हो सकता है और एक अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक कॉइन दिखा सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं इस पर्टिकुलर को अभी के लिए हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं एक रेंज का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया नीचे आया, अपने प्रीवियस लोस को ब्रेक नहीं करा बट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस पास्ट पे ये लोस को ब्रेक कर रहा था। ये लोस को ब्रेक नहीं करा मतलब एक हायर लो क्रिएट करा। दूसरी बात, ये इसका प्रीवियस हाई था, इसके ऊपर गया था बट क्लोजिंग नहीं दे पाया बट ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यानी कि एक बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर हल्के हल्के स्टार्ट हो रहा है। ये कॉइन अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक डेफिनेटली बहुत बढ़िया अपमूव ये कॉइन दे सकता है। सो आई थिंक ये तो सजेशन थे तो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की और मार्केट की कल एक्सपायरी कहाँ लगती है उसके बारे में बात करते हैं। सो निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। क्लियरली हमें एक चीज़ पता थी कि ये जो फॉल आया था ना कल के ट्रेडिंग सेशन में, मैंने आपको दो चीज़ें बोली थी। दो चीज़ें मैंने क्या बोली थी, ये तो एक वी शेप रिवर्सल है, ये वी शेप रिवर्सल है बट ये कन्फर्मेशन कैसे होगा कि ये रिवर्सल है या हमें सेल ऑन राइज कर रहा है। मैंने आपको बताया था ये एक रेंज मैंने बनाई थी, इस रेंज पे जैसे ही आएगा अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है, मैंने आपको कल एग्जैक्ट लेवल बोला था 17,620 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा तो हम लोग बाय कर लेंगे बिकॉज तब हम मानेंगे एक रिवर्सल है और अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक जा सकता है। बट मैंने कहा था अगर इस लेवल हम लोगों को विक्स दिखी या एक रिवर्सल आते हुए दिखा हम लोग क्लियरली एक शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे। हम लोगों को एक रिवर्सल आते हुए दिखा, रिवर्सल आप देख सकते हैं, आप मल्टीपल ऊपर बियरिश हैमर कैंडल बनी थी एंड उसके बाद हम लोगों ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, उसके बाद नीचे आया, नीचे आया, हमने इस लेवल पे शॉर्ट करा था 17,510 पे। एग्जैक्टली इसी लेवल पे स्ट्रक्चर मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करा था एंड बहुत लोगों ने प्रॉफिट कमाया था, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है गाइस टेलीग्राम का, आप जाके जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर बहुत अपडेट्स मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली ये टारगेट हम लोगों ने अपना रखा था और ये टारगेट कैसे रखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली हम लोगों ने इस लो पे ही बुक करा है। सो आप देख सकते हैं ये मेरा बॉटम है, ये मेरा टॉप है। एग्जैक्टली इस बॉटम और टॉप का 61% तक की मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था और एग्जैक्टली 61% तक की करेक्शन मुझे देखने को मिली है। मैंने अपना प्रीवियस लो नहीं रखा, मोस्ट ऑफ द पीपल ने प्रीवियस लो रखा होगा एंड वहां पर लोगों को लॉसेस होना स्टार्ट हो गए होंगे अगर इन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी। सो आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ एग्जिट करना है, कैसे करना है। तो गाइज डेफिनेटली आज हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत अच्छा रहा था, मैंने बहुत अच्छे पैसे अर्न करे हैं। तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया ना पॉसिबल रिवर्सल हम लोगों ने कैसे फाइंड करा, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स कि हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को बुक करा। अब दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीजें देख लिया। अब हुआ क्या, जब एक फॉल आया, एक पुल बैक दिया और दोबारा फॉल आ रहा है, अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और 15 मिनट की कैंडल भी नीचे सस्टेन कर जाती है तो हमें वेट करना है बिकॉज कल एक्सपायरी है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होने वाली है, स्टार्टिंग के समय आधा घंटा मार्केट बहुत ज्यादा वॉलिटाइल रही, शायद ऊपर भी बहुत तेजी से भाग जाए, बहुत तेजी से नीचे भाग जाए, बट वो जो आधे घंटे का ट्रेंड होगा वो पूरे दिन का ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। अगर कल गैप डाउन के बाद मार्केट रिकवर कर जाती है तो डेफिनेटली पूरे दिन मार्केट पॉजिटिव रहने वाली है। अगर कल गैप डाउन के बाद मार्केट 15-20 आधा घंटा भी नीचे रहती है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड ही है और हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखनी पड़ेगी।
ठीक है। अब यहां पर जो क्रूशियल लेवल निकल के आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल निकल के आ रहा है जो कि 17,280 का है। यहां पर हम लोगों ने देखा इस लेवल से एक रिवर्सल तो देखने को मिल गया। सो करना क्या है, हमें रिवर्सल देखने को मिला और 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को रिवर्सल जो देखने को मिला है एट दिस लेवल देखने को मिला है जो कि एक क्रूशियल लेवल था अकॉर्डिंग टू आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है और गैप डाउन में ब्रेक हो जाता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है, 1 या 2 मिनट की कैंडल भी नीचे क्लोज होती है तो हम शॉर्ट कर देंगे फॉर अ टारगेट ऑफ दिस प्राइस, या हमें आराम से मिल जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का गैप है तो ये भी फिल हम लोग कर सकते हैं, मतलब इतना फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फॉल आ सकती है। बट अगर हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोबारा ड्रॉ करते हैं ये टॉप और इस बॉटम से और अगर ये 61% के ऊपर निकल जाता है यानी कि 17,530 के ऊपर निकल जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 17,610-20 लेवल भी आ सकता है। उसके ऊपर का मैं स्कोप कल की एक्सपायरी में बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बट मेजर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है लोअर लोज एंड लोअर हाइज का, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। इफ यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, देख सकते हैं, फॉल करा, एक पुल बैक लिया, फॉल करा, एक पुल बैक लिया, फॉल करा, एक पुल बैक लिया, फिर दोबारा फॉल कर सकता है। इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड पैटर्न। सो डेफिनेटली गाइस अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है अपने प्रीवियस आज के लो को तो हम डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं और ये हमारा टारगेट होगा, बट अदरवाइज अगर ये 17,510 के ऊपर जाता है तो हमारे लिए बाइंग सेटअप जनरेट हो सकता है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर अगर आप चेक करेंगे तो ये हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाने के बाद हुआ क्या, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 61% लेवल के ऊपर भी गया एंड वहां पर हम लोगों को कई कंफर्मेशन मिला कि मार्केट के अंदर एक बाइंग स्टार्ट हो सकती है। बट जब इसने ब्रेकआउट दिया तो वहां पर निफ्टी एग्जैक्टली अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे था, वो एक रिवर्सल लेना स्टार्ट कर गया था, तभी इसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ली थी, बट मैं यहाँ पर एक बाइंग सलाह ले रहा था, मैं बाइंग के लिए सोच रहा था, बट डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग बच गए बिकॉज हमें बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी को भी चेक करना चाहिए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन को फॉलो करो या फिर निफ्टी को फॉलो करो, ठीक है। सो अब यहाँ पर करना गया तो बैंक निफ्टी को मैं कल के लिए इग्नोर करूंगा, बट मेरे हिसाब से निफ्टी वीक है तो अगर निफ्टी वीक जाएगी तो बैंक निफ्टी उसको फॉलो डेफिनेटली कर सकता है, तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा मैं दिखा रहा हूँ, FII के डाटा में कुछ भी चेंज नहीं है, वो दो लोग दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो लोग दोबारा बियरिश हैं, बट ओपन इंटरेस्ट के डाटा में मार्केट और ज्यादा वीक है। तो लेट मी शो यू। सो मैंने निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा ओपन करके रखा हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉल चेंज है मंथली ओपन इंटरेस्ट पे, दैट इज 10 मिलियन एंड पुट चेंज इज 1.5 मिलियन, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, पुट राइटर आप देख सकते हो 17,500 के अंदर से एग्जिट कर चुके हैं, यानी कि जो अभी मैंने लेवल बोला था ना 17,530 रुपीज का, क्योंकि अगर कल वो लेवल ब्रेकआउट दे गया तो गाइस कल ही एक्सपायरी है, तो जितने भी पुट राइटर्स यहाँ पर होंगे उन लोगों को लॉसेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी वजह से वो लोग एग्जिट कर चुके हैं। उन्हें पता है कि 17,500 का लेवल कल ब्रेक नहीं हो सकता एंड 17,400 से लेके 17,600 तक हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है। सो मेरे हिसाब से कल मोस्ट प्रोबेबली हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, बट अगर कल इसी लेवल पे ओपनिंग होती है ना, अगर इसी लेवल पे ओपनिंग होती है तो गाइस इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट एट करंट प्राइस। अगर कल इसी लेवल पे या 20-25 रुपए ऊपर नीचे ओपनिंग होती है तो सीधा शॉर्ट कर देना, अदरवाइज एक हेवी गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा पेशेंसली वेट करो, बट अगर हमारे इस लेवल को तोड़ती है जो आज का लो था तो हमें शॉर्ट कर देना, हमारे प्रीवियस टारगेट तक इजीली पहुंच सकता है। बैंक निफ्टी को अगर चेक करें सो बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू निफ्टी स्ट्रांग है। आप अगर कॉल राइटर्स पे देखोगे तो 0.2 मिलियन कॉल चेंज एंड पुट चेंज है 2.0 मिलियन, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है और हम लोग ने अभी अपने डाटा पे खुद भी देखा था टेक्निकल एनालिसिस पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,500 पे, तो कल अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है 17,580-600 के आसपास तो गाइस एक बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक हलचल हो सकती है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रहा है, या फिर वॉलिटिलिटी के चक्कर में ऊपर नीचे मार्केट रह सकती है, क्योंकि दोनों बैंक निफ्टी और कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर निफ्टी नीचे नहीं जा सकती है। सो मार्केट कल एक रेंज बाउंड या वॉलेटाइल हो सकती है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट एज वेल। इस तरीके का जब भी स्ट्रक्चर बनता है कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अलग है और बैंक निफ्टी का और भी अलग है, तो यहाँ पर इस तरीके से वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। कॉल राइटर्स एग्जिट कर चुके हैं 37,000 से लेकर 37,400 तक, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। 37,800 पे एक क्रूशियल कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो मेरे हिसाब से वो भी 350 पॉइंट ऊपर है, तो हमारे लिए एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। सो मेरे हिसाब से कल एक बहुत डिसीजन मेकिंग हम लोगों को देखने मिलने को वाला है, तो मेरे हिसाब से
अर्ली एग्जिट की जरूर कोशिश करना, कुछ कुछ प्रॉफिट्स लेके ना 3-4-5 बार ट्रेड ले लेना, एक ही ट्रेड को ना पूरे दिन होल्ड करके मत रखना अगर आप लोग ऑप्शन को बाइंग करके चल रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स लेके आप लोग एग्जिट करते रहो एंड मेरे हिसाब से आप लोग कल अच्छा ट्रेड कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल पर जाके गाइस जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा बहुत एजुकेशनल कंटेंट हम लोग डाल रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इंस्टाग्राम के अंदर, सो प्लीज आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और जैसे हमारे 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट होते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, हम लोग एक गिव अवे भी लेकर आने वाले हैं, सो प्लीज गो फास्ट एंड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहां पर बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलने वाला है। सो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड।